Communicable disease, which affects both children and adults, especially children. According to the data by WHO, in 2019, 262 million people were affected by asthma and there were 455,000 deaths all over worldwide. Today we have Dr. Sandeep Nair with us, who is going to educate us more about asthma and its problem. Thank you so much, sir. So when we talk about asthma, एस्थमा एक बहुत मेजर डिजीज़ है, बच्चों में भी उतनी ही है जितनी अडल्ट में है, ज़्यादातर बच्चों में देखी गई है. तो वॉट इज एस्थमा और ये कैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है? सो एस्थमा मीन्स ये सांस की तकलीफ होती है, जिसमें हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे एयरवे होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं. एक कंस्ट्रिक्ट करते हैं यानी कि छोटी हो जाती हैं, एक स्वेलिंग आ जाती है, डीमा आ जाता है यानी कि थिकंड हो जाती है, और तीसरे सिचुएशंस आ जाती हैं. तो ये तीनों मिला के जो हमारा ल्यूमेन होता है एयरवे का, उसको छोटा कर देता है. सो जब छोटा करता है तो उसमें सांस की दिक्कत आती है और इसलिए एक वीजिंग की साउंड आती है. जैसे हवा अगर पतले रस्ते से निकलेगी जैसे फ्लूट की तरह, तो एक म्यूजिकल साउंड आती है. तो उसी तरह जब हमारे जो ब्रोंकियल एयरवे जो छोटा हो जाता है, उसमें से जब एयर निकलती है तो एक वीजिंग होती है, विस्लिंग साउंड आती है. नाउ एस्थमा कैन अकर एट एनी एज, बट मोस्टली चिल्ड्रन में इसलिए हम होते हैं कि बचपन से ही हो जाता है प्रॉब्लम. तो अगर उसको डायग्नोज करके हम ट्रीट करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आती है. अगर वो अनट्रीटेड रहता है तो वो बढ़ता जाता है और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है. सो इसलिए जितनी जल्दी हो हम इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो कर दें अच्छा रहता है. सो इट्स एन एयरवे डिजीज विच इज प्रेडोमिनेंटली इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि इन्फ्लेमेशन होती है यानी कि सूजन होती है नली में, उसके कारण होती है. इसलिए सूजन कम करने के लिए आप दवाइयां देते हैं. So, when asthma is caused, what can be different causes of asthma? जैसे अभी हमने बात की कि asthma होता क्या है, but कुछ reasons भी होते होंगे जिसके वजह से asthma trigger होता है या asthma होता है. So, what can be the causes for that? So, most commonly asthma जो होता है, it's a genetic problem. It's an allergic phenomena basically, जो हमारी airway के allergic phenomena होता है, उसके कारण होता है. सो मैनी टाइम्स यू विल सी कि अगर मदर या फादर या इवन ग्रैंड मदर को है तो बच्चों में कई बार एस्थमा होता है. चांसेस आते हैं, नॉट दैट कि होगा ही होगा, बट जेनेटिक कारण भी होता है एस्थमा का. कई बार आप ये भी देखेंगे लेट ऑनसेट एस्थमा भी होता है, यानी कि बचपन में प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन एडल्ट ऑनसेट एस्थमा भी हुआ है. कुछ फिनोटाइप्स होते हैं अलग तरह के, जैसे ओबेसिटी रिलेटेड एस्थमा होता है या फिर एक्सटेंसिंग यानी कि एलर्जी से एस्थमा होता है, नॉन एलर्जिक वाला एस्थमा भी होता है, डिफरेंट वैरायटी होती है. जहां तक ट्रिगर होने की बात है, तो कोई भी चीज जो हमारे लिए इरिटेंट है हमारे एयरवे के लिए, चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो इवन अगर आप देखें घर में हम अगरबत्ती धूप जला रहे हैं तो उससे भी हो सकता है. कई आप हाउसवाइफ्स को देखेंगे कि जब हमने सब्जी बना रहे हैं तब हो रहा है, क्योंकि छोंक लगाया तो उसकी परफ्यूम स्मेल से हो गया, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाने से भी होता है. तो कोई भी एनी इरिटेंट विल कॉज ट्रिगरिंग ऑफ द एस्थमा. टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इन मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर इज, वन इज ऑफ कोर्स देयर शुड नॉट बी एनी डैम्पनेस इन द होम, यानी कहीं वो सीलर नहीं आनी चाहिए. उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है जैसे इसमें फंगस आ सकता है, वो एक तरह से ट्रिगर कर सकता है. सेकंड थिंग है, घर में पेट अगर हो, अगर किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम हो तो हम उनको कहते हैं कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनके जो हेयर और एक्सेप्टर जो फॉल करते हैं दैट कैन बी कॉज, दैट कैन कॉज ट्रिगरिंग ऑफ एस्थमा. सो ये भी हमको अवॉइड करना चाहिए. सो अभी जैसे सर प्रिंटर्स चल रही हैं और दिल्ली में पॉल्यूशन भी इतना ही है, या आप कहीं भी लगा लीजिए, सो विंटर्स एंड देन पॉल्यूशन, कैन दीज बोथ things together, especially in winters, क्या asthma जिनको है वो triggering point हो सकता है उनके लिए? I must compliment you for an excellent question. See, asthma basically क्या है कि it's a constriction of the airway. अब वो जब भी चेंज इन एनवायरमेंट होता है तो पेशेंट जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये
अटैक पड़ता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी जा रही है या सर्दी से गर्मी जा रही है। सेकेंड थिंग जैसे मैंने बताया कि इरिटेंट कुछ भी होगा तो प्रॉब्लम करेगा। नो दैट्स व्हाट हैपेंड इन द विंटर्स, क्योंकि विंटर सीजन में हम जो एस्थमेटिक है उनको कई कारणों से प्रॉब्लम होती है। ऑफकोर्स जब समर से विंटर जा रहे हैं तो चेंज इन वेदर है, दैट प्रॉब्लम इज देयर। पॉल्यूशन जब बढ़ जाता है, वो जैसे स्मॉग होती है यानी कि स्मोक प्लस फॉग, उसमें बढ़ जाती है। देन मेनी रेस्पिरेटरी वायरस इलनेसेस आर देयर, जो सर्दियों में ज्यादा देखा गया है, वो भी सब ट्रिगर करते हैं। इसलिए हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं एस्थमेटिक है, वी आर ऑलवेज बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग विंटर्स। तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि चाहे आप ठीक भी फील कर रहे हो, मेडिसिन प्रॉपरली लेते रहिए, क्योंकि इन मेडिसिन में काफी प्रिवेंटर्स है, यानी कि प्रिकॉशनरी डोज होती है जो बचाता है आपको एस्थमा के अटैक के लिए, तो आप जरूर लेते रहिए। सो ये डबल वैमी होता है, पॉल्यूशन और विंटर। तो डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस चार्ज टाइम पे हमारे लोगों को एस्थमेटिक्स को प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है और हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो सर, जब वी टॉक अबाउट एस्थमा, सो लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिथ दैट एस्थमा कैन नेवर बी क्योर्ड, और या फिर अगर किसी को एस्थमा है तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो इज एस्थमा प्रॉपरली क्योरेबल और इट इज जस्ट मैनेज्ड? So honestly speaking, asthma can be controlled. If someone says that a patient who is an asthmatic, वो बिना medicine के मैं ठीक कर दूँ, अगर कोई कहेगा तो there is something wrong in it, because we must be honest with the patient. हमको बताना चाहिए, हो सकता है अपने आप patient outgrowth disease को कर ले, और बात है। But कोई ऐसी बीमारी जो है asthma की तो इतनी खतरनाक नहीं है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ। अगर आप ठीक से medicine लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल controlled रहेंगे, लेकिन जड़ से निकल जाएगी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज ऐसा नहीं होता है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। बट इफ यू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, सो यू विल बी एज गुड एज एनीवन एल्स। देयर आर सो मेनी एथलीट्स, सो मेनी पीपल हु हैव वन गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स आल्सो डिस्पाइट बीइंग एस्थमेटिक, इतने स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट अपने कंट्रीज को किया हुआ। सो ऐसा एस्थमा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप प्रॉपरली अगर मेडिसिन लेते रहे, और मेडिसिन भी बड़ी आप अच्छी अच्छी मेडिसिन आ रही है। एक मिथ ये भी रहता है जो मैं आपको इसमें एक और बताना चाहूंगा कि इनहेलर्स जो होते हैं कहीं वो हैबिट फॉर्मिंग ना हो, जो हमसे कॉमनेस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट मी टेल यू, इनहेलर्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज आपको लंग्स ही प्रॉब्लम है, आप क्यों गोली लेंगे जो पहले पेट में जाएगी फिर ब्लड में जाएगी, इसलिए आपको उतना ज्यादा मेडिसिन लेना पड़ेगा। सीधा क्यों नहीं वहीं पे हिट करें जहां की प्रॉब्लम्स है, तो इनहेलर डायरेक्टली लंग्स में जाता है, वहीं के इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करता है। सो आपको 1/20th डोज जाएगी, जो गोली में 20 टाइम्स ज्यादा आप मेडिसिन लेंगे उतने इफेक्ट के लिए आप कम मेडिसिन से काम चलाएंगे। इसलिए क्योर ऑफ कोर्स इज डिफिकल्ट बट कंट्रोलेबल ऑलमोस्ट 100% अगर आप प्रॉपरली मेडिकेशन लेते रहेंगे। सो हाउ कैन एस्थमेटिक पेशेंट, समबडी इज एस्थमेटिक एंड सी, जैसे हमने बात की कि अर्ली स्टेज में कभी कभी बच्चों में नहीं पता लगता है, एक एज के बाद आके पता चलता है, लेकिन हर टाइम सांस का ही प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा ऐसा नहीं होता है। कई बार खासकर बच्चे उनको खांसी नहीं जा रही है, कफ वेरिएंट एस्थमा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ कफ आ रही है, ड्राई कफ हो रही है, कोई ऐसा सांस की दिक्कत ना वो बता पा रहे हैं या हो नहीं रही है, ऐसे बड़ों में भी हो सकता है कफ वेरिएंट एस्थमा में, तो वो भी एक एस्थमा का लक्षण है। दूसरा चेस्ट टाइटनेस हो रही है, मतलब कोई बता नहीं पा रहा कि सांस फूल रहा है नहीं फूल रहा है, लेकिन चेस्ट में टाइटनेस लग रही है, दैट कैन आल्सो बी अ सिम्पटम ऑफ कफ। डायग्नोसिस करने के लिए हम एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसको PFT किया कहा जाता है। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आराम से वो कर सकते हो, बड़े तो कर ही सकते हैं। उसमें फूक मार के आपकी लंग की कैपेसिटी देखी जाती है, रेशियो देखा जाता है, और देखते हैं कि एस्थमेटिक है कि नहीं है। फिर एक रिवर्सिबल TB साइन होता है, यानी कि हम दवाई देके देखते हैं उसमें बेटर भी हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर 12% इंप्रूवमेंट विद द 200 ml ऑफ इंप्रूवमेंट इन द लंग फंक्शन, तो ये एस्थमेटिक ही साथ जाते हैं। सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज द टेस्ट विच विल डायग्नोज एस्थमा, बिकॉज पेशेंट का नॉर्मल एक्सरे हो सकता है, नॉर्मल सिम्टम्स हो सकते हैं, इवन जब आपके पास प्रेजेंट करें तो शायद कुछ हो भी ना उस टाइम पे, बिकॉज एस्थमा रिवर्सिबल, बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इट्स अ वेरिएंट डिजीज, बिल्कुल वेरिएशन होती है उनकी सांस में। सो PFT से आपको काफी हद तक पता चल सकता है। दूसरा चीज होती है पीक फ्लो मीटर, होता है एक स्मॉल डिवाइस होता है जो हम हर पेशेंट को कहते हैं अपने पास रखें और रोज अपना पीक फ्लो चेक करें।
जब वो चेक करते हैं तो पता चल जाता है उनको कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उसके अंदर 20% डिक्रीज हो तो एज आपको ऑलमोस्ट 72 आवर्स बिफोर पता चल जाएगा एस्थमा अटैक आने। सो ये चीजें अगर एस्थमा एजुकेशन के साथ चले तो एस्थमा को कंट्रोल करना इज वेरी इजी। जब हम बात करते हैं कि कोई बच्चे हैं जिनको अस्थमा हो रहा है, बच्चों में भी यही सेम सिम्टम्स होते हैं जो अभी आपने बताए हैं, जैसे कि खिंचाव होना और कफ कफेरियन अस्थमा, तो बच्चों में भी यही सेम चीज होती है जो बड़ों में सिम्टम्स रहते हैं या कुछ डिफरेंस आता है? सो मोर ऑर लेस सेम होता है, लेकिन वही मैं जब छोटे बच्चे बता नहीं पाते कि उनको जस्ट टाइटनेस हो रही है या कोई सांस की दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर उनका कफ नहीं जा रहा तो ऐसे नहीं कि हर कफ वाला एस्थमेटिक है, मगर आप उसके लिए जरूर उसके लिए टेस्ट कीजिए और देखिए कहीं एस्थमा तो नहीं। जब हम बात करते हैं सर एस्थमेटिक अटैक की और पैनिक अटैक्स की, तो इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज भी होती हैं, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट ऑन अ मेजर बेसिस कि किसी को एस्थमेटिक अटैक है या पैनिक अटैक हो रहा है? सी, एक तो हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्थमेटिक्स नॉर्मली दूसरा आप उसको किस कंडीशन में अटैक पड़ रहा है, वो एस्थमेटिक को नॉर्मली अटैक के लिए कोई ना कोई ट्रिगर सिस्टम ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डस्ट से एकदम एक्सपोज हो गया, स्मोक से एक्सपोज हो गया, तो उसको एकदम से एस्थमा हो सकता है। ऑफ कोर्स पैनिक कैन आल्सो कर दियो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि पैनिक नहीं हो सकता, बट एस्थमेटिक नॉर्मली कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर होता है। देन अगर हम उनको आवाज सुनेंगे, चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे, तो रोंकाई यानी कि विस्लिंग साउंड सुनाई देता है। बहुत ज्यादा सिवियर एस्थमा तो ऑलमोस्ट साइलेंट चेस्ट भी हो सकती है, लेकिन आपको ऑस्कल्टेट करने से यानी कि चेस्ट को स्टेथोस्कोप से सुनने से आप पता चल सकता है। नाउ अगर ये डॉक्टर नहीं है कोई, घर में एकदम से कोई किसी को अटैक हो गया, तो एक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरा अगर आप पैनिक अटैक या एस्थमेटिक अटैक भी होता है, अगर उनको आप थोड़ा नेबुलाइजेशन या कोई ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे तो कोई हार्म नहीं करेगा। Immediately, of course, doctor से consult करना चाहिए, so that they can do the needful. So sir, जब किसी को बहुत ही long term asthma होता है, say we talk about somebody, बच्चों को ज़्यादातर generally बचपन से ही asthma हो जाता है and वो lifetime रहता है, जैसे कि हमने बात की है, so can there be any kind of effect on the body if somebody is having asthma for a long term? अगर आप नियमित रूप से अपने मेडिसिन लेंगे जो भी आपके फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, तो आपकी बॉडी में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना ही नॉन एस्थमेटिक हेल्दी और एक्टिव होगा उतना ही एस्थमेटिक होते, प्रोवाइडेड दे आर टेकिंग मेडिसिन प्रॉपरली। बट अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे या मेडिसिन छोड़ते हैं अपने आप ही के, अब तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं आपको मेडिसिन नहीं लेना, तब ये डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है और फिर लेटर ऑन एस्थमेटिक COPD बन जाते हैं, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें ठीक नहीं होती है। एस्थमेटिक में एटलीस्ट बीच में आप ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन COPD इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज जो बिल्कुल लंग को डैमेज कर देती है। ये नॉर्मली उनके लिए उनके अंदर ज्यादा होता है एस्थमेटिक्स वालों में जिन्होंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया है किसी भी कारणवश। अगर नियमित रूप से आप एस्थमा की ट्रीटमेंट लेंगे तो कोई ऐसी इफेक्ट नहीं आता, यू आर एज गुड एज एक्टिव एज एनर्जेटिक एज अ नॉन एस्थमेटिक पर्सन। जब हम एस्थमा की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी लॉट ऑफ स्टेजेस ऑफ एस्थमा, किसी को माइल्ड एस्थमा है, किसी को मॉडरेट है और फिर सिवियर हो जाता है, सो ये कैसे हम कर सकते? सो नॉर्मली जो ये क्लासिफिकेशन माइल्ड मॉडरेट सिवियर की थी, ये बड़ी पुरानी क्लासिफिकेशन चल रही है। माइल्ड है जिसको कभी कभार सिम्टम्स हो रहे हैं, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं, मॉडरेट में जिनको मीडियम साइज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं, सिवियर है जिनको इवन ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलते हैं या फिर बायोलॉजिक दिया जाता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट, जब हम जो 22 गाइडलाइंस है लेटेस्ट गाइडलाइंस की बात कहते हैं, तो वो कहते हैं इस चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, क्योंकि माइल्ड एस्थमेटिक को भी कभी भी अटैक पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं माइल्ड एस्थमेटिक हूं तो मुझे अटैक पड़े, अब ऑलमोस्ट 30% को अटैक पड़ जाता है माइल्ड में भी, अचानक अटैक पड़ेगा। सो इसलिए सावधानियां हर एक में लगनी है। इसलिए अब वो कहते हैं इट्स बेटर टू अवॉइड माइल्ड एस्थमेटिक, है ये तो माइल्ड है कोई बात नहीं है। आप प्रॉपरली कंट्रोल्ड होना चाहिए आपका एस्थमा, आपके जो मेन सिम्टम्स है कि आपको नाइट अवेकनिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी रूटीन एक्टिविटीज ठीक होनी चाहिए, आपको जो शॉर्ट एक्टिंग एग्नी जो एकदम से क्विक रिलीफ करने की मेडिसिन की जरूरत है वो ना पड़े, और आपके नॉर्मल जितने भी काम हो रहे हैं और उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कंट्रोल्ड एस्थमेटिक है।
अगर आप ने टारगेट अचीव किया हुआ है सो इट डजंट मैटर आप माइल्ड मॉडरेट सीवियर है बट आपको फिर भी पूरी तरह से मेडिसिन लेते रहना चाहिए। जब हम जैसे अस्थमा की बात करते हैं तो जैसे किसी को किसी बात का स्ट्रेस है और किसी को एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज मिल रही है, ऐसे कोई भी चीज जो आपको स्ट्रेस दे रही है मेंटली भी, क्या उससे भी एकदम से अस्थमा अटैक्स ट्रिगर हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अस्थमा इज देयर, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है देयर, मतलब आपको ज्यादा एक्सरसाइज कर एकदम से अटैक पड़ेगा, या स्ट्रेस हुआ कोई प्रॉब्लम होगी तो उनमें अस्थमा हो गया, ये सब चीजें आर नोन फैक्ट बिकॉज आफ्टर ऑल यू नो ये एक तरह से बॉडी में चेंजेस लाते हैं चीजें, हेंस ऑलवेज वी ट्राई टू इम्प्रूव द पेशेंट्स ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये नहीं कि सिर्फ अस्थमा में सिर्फ अपने लंग्स को देखना, किसी को गैस्ट्रो रिफ्लक्स है, किसी को बार बार रिफ्लक्स आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर अस्थमा, किसी को राइनाइटिस है नहीं, नाक में उसके एलर्जी है तो वो भी अस्थमा बना सकता है। तो जब हम अस्थमा को ट्रीट करते हैं हम बाकी चीजें भी साथ में करते हैं, नेसेसरली कोई स्ट्रेस है तो वही अस्थमा का अटैक पड़ सकता है, तो इन सब चीजों को आपको कंट्रोल करना चाहिए। There must be some home remedies also which can be taken up every day on a daily basis for an asthmatic. So what can it be? So normally we always tell them to have a good nutrition. That is very important. ज़्यादा खाने के नहीं कहते, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि आप अच्छा nutritious food लीजिए, because that is very important for the treatment of any problem, not only asthma. ड्यूरिंग विंटर्स हम अवॉइड करते हैं कि बहुत चिल्ड या ठंडा ना लिया जाए बिकॉज दैट कैन ट्रिगर एस्थमैटिक। जो मिर्च मसाले वाली या स्पाइसी चीजें ना लें क्योंकि दैट कैन कॉज एस्थमा। स्टीम इज वेरी गुड फॉर यू, होम रेमेडीज की जहां तक बात करें स्टीम, ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड फॉर यू बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू नो गुड फीलिंग, अच्छी आपको मिलती है, एक अच्छा आपका ब्रोंकोडायलेशन रहता है, तो ये सब चीजें अच्छी लगती है। मेनली अ गुड हेल्दी फूड डेफिनेटली इज समथिंग विच वी वेरी स्ट्रांगली प्रिस्क्राइब। Asthma is not a disease one should be afraid of or one should have some any myth of it that ab kya hoga types, these things comes in our mind. Agar kisi ko asthma hai to aap zarur apne physician se consult kare, jitni jaldi aap iski treatment shuru kar denge iski progress ko aap rok payenge. So ye koi aisi badi baat nahi ki agar kisi ko asthma ho gaya, agar properly control kiya jaye, proper medication liya jaye तो आप उतने ही स्वस्थ और उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे जितना कि जो पेशेंट को नहीं है एस्थमा, जो जिस पर्सन को एस्थमा नहीं है वो रहते हैं। आप सब काम कर सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, आप सब स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप पढ़ाई में उतने अच्छे हो सकते हैं अगर आपको एस्थमा है और प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। सो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अगर किसी को भी एस्थमा है तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट and you'll be as good as any person in the world.